ये है BTS 3। आज करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और मैं आपको बताऊंगा क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो चलिए सीधा इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ बात कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट की तरफ, तो बॉक्स के फ्रंट में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। हमको पता चलता है कि BT इंटरकॉम हेडसेट है, जो कि ये BTS 3 मॉडल है, जो कि इसके टॉप पे लिखा हुआ मिलेगा। ये सपोर्ट करता है FM रेडियो को, राइडर टू PM को, राइडर टू राइडर को 800 से 1000 मीटर तक, यानी कि विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तक आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट सारे हेलमेट के अंदर फिट हो सकता है। बॉक्स की दूसरी तरफ आते हैं तो ये आइकन के थ्रू हमको बताता है कि राइडर टू प्लेन कनेक्ट कर सकते हैं, फोन से हेलमेट को कनेक्ट कर सकते हैं, MP3 सुन सकते हैं, GPS कनेक्ट करके वो सुन सकते हैं, और मल्टी यूजर कनेक्टिविटी है, यानी कि 3 या फिर 4 जने जो है हम इंटरकॉम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अप टू 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जो है इसकी साउंड सही आती है और माइक सही वर्क करता है। वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, इसको आप डुबा नहीं सकते पानी के अंदर, बट रेन में यूज कर सकते हैं क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है। नीचे के पोर्ट ओपन है बट ऊपर से पूरी रबराइज फिनिश्ड हो रखी है, जैसे कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करके दिखाता हूँ किस तरीके का हमको इंटरकॉम मिल जाता है। और यहाँ जो इंटरकॉम है ये काफ़ी सही लगता है मेरे को लुक के हिसाब से। और ये आया था काले कलर के पैकेट के अंदर बैंगवुड की तरफ से, जो कि मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया, और डब्बे पे किसी तरह की कोई सील नहीं थी। यहाँ इंटरकॉम मिल जाता है जिसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला मिलता है भाई यहाँ पर यूज़र मैनुअल BTS 3 का, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन से लेके यूज़र गाइड सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक पैकेट, पैकेट को करेंगे अनबॉक्स। और यहाँ पर मिलता है चार्जर, जो कि अच्छी बात है, एक इंटरकॉम के अंदर चार्जर साथ में आ रहा है। किसी और इंटरकॉम के अंदर अभी तक मैंने नहीं देखा कि चार्जर मिल रहा हो, तो काफ़ी अच्छी डील है ये। और उसी के साथ हमको यहाँ पर इस तरफ मिलते हैं हमारे हेडफोन्स, और हमको मिल जाता है इसका चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल ये रहा। और ये जो चार्जर यूज़ करता है ये माइक्रो USB नहीं है, ये दूसरे वाला है। अगर इनकेस आप इसको मिसप्लेस कर देते हैं तो आपको ये दोबारा से ऑनलाइन ही बैंगवुड से मंगाना पड़ सकता है। यहाँ मिल जाते हैं हेडफोन्स के सेट, जहाँ पे 2 हेडफोन और एक माइक मिलता है हमको। और अब पैकेट के अंदर देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पैकेट के अंदर हमको मिल जाता है सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर और एलन की हमारी फिटिंग के लिए, जो कि काफ़ी सही है, आपको कुछ और इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। उसके अलावा हमको मिल जाता है यहाँ पर माउंट करने के लिए एक माउंट हेलमेट के ऊपर, माउंटिंग की वीडियो जो कि मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। और उसके अलावा एक तरीके का माउंट, और अगर आप 2 हेलमेट यूज़ करते हैं तो आप एक हेडफोन्स का सेट और ऑर्डर कर सकते हैं बैंगवुड से, और उसको लगा सकते हैं अपने दूसरे हेलमेट के अंदर, और यही सेम मॉड्यूल आपका चल जाएगा दूसरे हेलमेट के अंदर भी। सो उसके अलावा हमको मिलती है एक 3.5 mm जैक 2, एक स्मॉल पिन वाली। और इसके साथ जो है अगर आपका इंटरकॉम की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इस वाले पिन को लगाएं इंटरकॉम में और इसको लगाएं फ़ोन में, आप नॉर्मली अपने हेडफोन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरकॉम को। इंटरकॉम की बात करो तो बिल्कुल जो है रबड़ फिनिश यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ एक प्लास्टिक है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है, जो कि सिल्वर कलर में हमको देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ हमको मिलते हैं 2 पोर्ट्स, और ये वाला पोर्ट आपको पता ही है किस काम आने वाला है, अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जो हमको एक्स्ट्रा ऑक्स मिली है उसको लगाकर। और ये जो है हमारे हेडफोन्स के लिए है, आपको दिखाता हूँ कि कैसे माउंट करना है, क्या बेसिक चीज़ें आपको माउंट करते टाइम ध्यान रखनी है। तो माउंट करते टाइम सबसे पहले डिसाइड करना है आपको कि आपको अपने हेलमेट के राइट साइड पे माउंट करना है या फिर लेफ्ट साइड पे माउंट करना है। जनरली मैं लेफ्ट साइड पे माउंट करना आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि राइट साइड में हमेशा हमारा एक्सेलरेशन रहता है, तो लेफ्ट साइड पे माउंट करेंगे। और लेफ्ट साइड पे माउंट करने के लिए मैं यहाँ पर माउंट करूंगा, आप किसी भी हेलमेट में कर सकते हैं, बस ये पैडिंग को हल्का सा हटाना है। और इनकेस अगर आपकी पैडिंग नहीं हटती है तो आप जस्ट चिपकने वाला माउंट यूज कर लें या फिर स्लाइडिंग। मेरे हेलमेट में रिमूवेबल पैडिंग है तो मैं ये वाला माउंट यूज करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये भी जो है हमको बॉक्स के अंदर ही मिलता है तो ये काफी सही है। अभी मैं इसको खोल के इसके ये वाला जो पीस है इसको हमको रखना है यहाँ पर जस्ट इस तरीके से, और इसके साथ जो हमको सेकेंड पीस मिलता है इसका ये वाला, इस वाले पीस को हमको अंदर की तरफ स्लाइड इन कर देना है, और मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये देख लो ये माउंट हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पर देखो स्क्रू पूरा टाइट कर दिया है मैंने अंदर की तरफ से भी, तो बिल्कुल सही है जो है फिट हुआ है यहाँ पर, ये लगा दिया है। अब इसके अंदर हमको हेडफोन देखना है जो जिसकी वायर थोड़ी छोटी हो, तो इस वाले हेडफोन की जो वायर छोटी है यानी कि ये वाला जो है इंटरकॉम के पास लगेगा, और जिस हेडफोन की वायर लंबी है वो वाला हेडफोन हमारा ऑपोजिट साइड पे लगेगा, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है उसको हमको पैडिंग के अंदर से निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मैनेज करेंगे।
चीयर्स भाई, आप लोग भी पी लो यार। इंटरकॉम लगने वाला है, बस ये देखो इंटरकॉम का मैंने एक साइड फिनिश कर दिया है यहाँ पर काफी क्लियरली। अब दूसरी तरफ जो है मैं इंटरकॉम अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। तो भाई इंटरकॉम लग चुका है। इंटरकॉम लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आती है यहाँ पर। और ये जो है माइक मैं अंदर डाल लेता हूँ। अभी माइक की खासियत मैं आपको बताता हूँ, एक बार हेलमेट उतार के आपको दिखाता हूँ। माइक की सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी थी कि ये वाला जो माइक है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये देखो, इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया, थोड़ा पास रख लिया मुंह के, या फिर हटा दिया उसको यहाँ पे, या फिर इसको फोल्ड कर दिया और दोबारा जो है इधर साइड की तरफ रख दिया इसको। तो भाई किसी भी तरीके से जो है माइक को रख सकते हैं यहाँ पर। और पैडिंग की अंदर की तरफ से जो है मैंने हेडफोन्स लगाए हैं सारे, आप यहाँ देख सकते हैं। ये पैडिंग थोड़ी सी रह गई, दोबारा घुसा देता हूँ। जिस तरीके से पैडिंग निकाली उस तरीके से लगा लोगे उस हेलमेट के अंदर, तो प्रॉपरली जो है फिट हो जाती है। यहाँ हो गई मेरी फिट पैडिंग पूरी सही। और ये देख लो इस तरीके से सामने से अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिखता, कहाँ आपने इंटरकॉम फिट करा है कहाँ नहीं करा कुछ नहीं दिखता। बस एक इस तरफ की जो है मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल का वेट काफ़ी लाइट है, फील भी नहीं हो रहा कि कुछ लगा हुआ है हेलमेट के ऊपर। और इसकी मैं अब आपको आवाज़ सुना देता हूँ कि कैसी इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ इंटरकॉम लगाते टाइम क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो जो वायर हम इंटरकॉम तक लगा रहे हैं वो वायर कहीं से दबी ना हो, पैडिंग काफी ज्यादा हार्ड उसको प्रेस ना करके रखे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी वायर जो है महीने डेढ़ महीने बाद खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एक हेलमेट खरीद रहे हैं कि आपका मोटिव है उसके अंदर इंटरकॉम ही जो है फिट करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान दें जो आपके हेलमेट के अंदर कान की तरफ का एरिया है उसके पीछे पैडिंग के पीछे जो जगह है खाली रहे। बाकी मैंने गाइड बना रखा है कैसे हेलमेट खरीदना है, आई बटन में आ रहा होगा, आई बटन में से देख लेना। उसके अंदर सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है कि किस तरीके से आप एक अच्छा हेलमेट सिलेक्ट करें आपके यूज के अकॉर्डिंग, तो वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी जगह देख लेना, क्योंकि हेडफोन्स के लिए जगह होनी काफी ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये चीज आपकी ऐसे दबी रहेगी हेलमेट के अंदर और थोड़ी देर में जो है आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट भाई, क्या आपको ये इंटरकॉम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 2,700 रुपए का ये इंटरकॉम है और मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि BTS 2 जो लिया था हमने वो 2,500 का था। चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो है रिव्यू है उसका, तो वो हमने 2,500 के लिया था। इसके अंदर हमको अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स देखने को मिलते हैं, वायर देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ इसका बिल्ड जो है उससे बेटर हो रखा है, पूरा रबराइज्ड फिनिश जो है हमको इसके अंदर मिली है। 2,700 रुपए ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। क्या क्या रीजंस है कि इसको आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आपका बजट इससे ज्यादा है और आप कोई अच्छा इंटरकॉम ले सकते हैं तो आप उसकी तरफ जाएं, ये ना ले। बाकी तो ये इंटरकॉम काफी सही लगा मेरे को, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि भाई ये वाला इंटरकॉम ले लो, सही है, फिनिश भी काफी सही है। और वीडियो आप देख ही चुके हैं, आप जान चुके हैं कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।